दुर्ग कलेक्टर ने निगम आयुक्त के साथ शहर का लिया जायजा। बस स्टैंड व मार्केट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था देख सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण व गंदगी हटाने के साथ ही दोबारा कोई ऐसा करते पाया जाए तो उससे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल करने अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के साथ शहर का जायजा लेते हुए न्यू बस स्टैंड इंदिरा मार्केट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही सार्वजनिक जगहों से गंदगी हटाने निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों से सहयोग भी मांगा और समझाइश देते हुए कहा कि दुकान के बाहर सामान फैलाकर व्यापार न रखें और दुकान का कचरा सड़क नाली में न डालें। कचरा एकत्रित कर निगम के स्वच्छता दीदियों को देने की बातें कही। वहीं भ्रमण के दौरान न्यू बस स्टैंड के गैरेज लाइन दुकानदारों को दुकानों के बाहर सड़क पर रखे कंडम गाड़ी को हटाने को भी कहा गया। साथ ही उन्होंने गैरेज दुकानदारों को कबाड़ गाड़ी को एक दिन के भीतर हटा लेने की चेतावनी दी और कहा कि नहीं हटाने पर 10,000 का जुर्माना की व कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने व कर्मचारियों को नियमित सफाई करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्टर ने दुकानदारों से कहा कि जहां सफाई हो जाए वहां दोबारा कोई गंदगी नहीं करे, यदि कोई ऐसा करता है तो उससे 10,000 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा। न्यू बस स्टैंड व बाजार क्षेत्र के सड़कों पर लगे सभी प्रकार के बोर्डों को ग्रीन थीम पर लगाने की समझाइश दी गई तथा ऐसा नहीं करने पर जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश निगम अफसरों को दिए। क्राइम डीसी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।